हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने अपनी पहली चुनाव सभा की शुरुआत मिथिला की धरती झंझारपुर से करते हुए कहा कि ये जानकी माता की धरती है। यहाँ के लोग सभ्य, विद्वान और सहनशील हैं। इस बार चुनाव में जनता डबल इंजन सरकार के विकास को देखते हुए वोट करने का काम करेगी। मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि NDA गठबंधन से LJP अलग है। किसी भी तरह के भ्रम में ना रहें, NDA समाज के सभी लोगों को न्याय देने का काम करती है। ये NDA गठबंधन से अंदाजा लगाया जा सकता है। पटना से मेरे साथ चलकर आए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बिहार के दिग्गज नेता सकरी चौधरी जी, सकरी बाबू के पुत्र श्री सम्राट चौधरी जी, जो हमारी पार्टी के विधान पार्षद भी हैं, झंझारपुर के सांसद श्री रामप्रीत मंडल जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व लोकप्रिय विधायक श्री और आपके उम्मीदवार श्री नीतीश मिश्रा जी, माननीय विधायक श्री रामप्रीत पासवान जी, पूर्व विधायक श्री जगत नारायण सिंह जी, झंझारपुर के हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री सीताराम शाह जी, जदयू के मधुबनी झंझारपुर जदयू के अध्यक्ष मोहम्मद कयूम साहब, मधुबनी के जिलाध्यक्ष श्री शंकर झा जी, श्री झंझारपुर के प्रभारी श्री जनमेजय सिंह जी, पूर्व प्रत्याशी श्री राम सुंदर यादव जी और यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, हम पार्टी और विकासशील इंसान पार्टी जो मुकेश सहनी की पार्टी है, उन सभी के नेतागण और इस नामांकन समारोह में झंझारपुर, मधेपुर और लखनऊ के यहाँ उपस्थित मित्रों, बहनों और भाई मित्रों, आज के इस चुनाव का जो अभियान है उसकी पहली सभा मैंने अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत इसी झंझारपुर मित्रों, नीतीश मिश्रा जी आपके उम्मीदवार, पिछले बार 800 वोटों से चुनाव हार गए थे। अभी मैं रामप्रीत मंडल जी से पूछ रहा था कि लोकसभा में झंझारपुर से आप कितने वोट से जीते, उन्होंने कहा कि 62,000। और पिछली बार अगर 800 वोट से नीतीश मिश्रा हारे हैं तो इस बार 80,000 वोटों से। बहुत बड़ी बात नहीं, मैं पटना जैसे चुनाव लड़ता था, अंतिम चुनाव धरती है और जिस धरती पर आज नीतीश मिश्रा जी हमारे गठबंधन के उम्मीदवार हैं। और मित्रों, हमारे बगल के जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ जनता दल यू के हरवाटी से सुधांशु शेखर समाज, नोनिया समाज, बेदार समाज, बड़ी समाज, नाई अमात और बहुत सारी जातियां होंगी। कुल बाकी 15 साल बिहार में जिन लोगों ने राज किया, इन जातियों को इज्जत देने का काम नहीं किया, इनका मान सम्मान नहीं किया। लेकिन जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो पंचायत के चुनाव में हमने अति पिछड़ों को 20% का आरक्षण दिया और आज अगर बिहार में 1,500 से ज्यादा मुखिया के और धानुक, नोनिया, बेदार, बड़ई, नाई, बिंद माच के लोग थे, एक एक वोट गिनकर उन्होंने नरेंद्र मोदी के झोली में देने का काम किया और उसी का परिणाम था कि तेरी समाज से आने वाला गरीब का बेटा, अति पिछड़े का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बन सका है। पहुंची है, हमें हिंदू और मुसलमान का तफरका नहीं किया, बैकवर्ड फॉरवर्ड का तफरका नहीं किया। और कोई बता दे कि जिन लोगों को 15 साल बिहार में मियां बीवी को मौका मिला राज करने का, उन लोगों ने घर घर बिजली क्यों नहीं पहुंचाई? और आज नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के कारण झंझारपुर का कोई घर बचा है जहां बिजली नहीं पहुंची है?
क्या 18 घंटे 20 घंटे झंझारपुर में बिजली रहती कि नहीं रहती है, बताइए है कि नहीं बिजली? मित्रों ये कोई सामान्य बात है? अरे एक चुनाव तक बिजली के नाम पर जीता जा सकता है? समय प्रतिकूल है, मौसम अनुकूल है, वादों के फूल हैं, विवादों के शूल हैं, मौका है चुनाव का, पर्व है ये लोक का। चुनावी मौसम में, त्योहारी सीजन में देखिए हमारे साथ लोक पर्व। बिहार मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों के चुनाव और उपचुनाव पर विशेष कवरेज।